कैलाश विजयवर्गीय के प्रतिद्वंदी संजय शुक्ला ने बीजेपी नेता पर लगाए गंभीर आरोप। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। नवरात्रि के पहले दिन कांग्रेस ने अपने विधानसभा उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। इस सूची में इंदौर विधानसभा एक से कांग्रेस प्रत्याशी संजय शुक्ला का नाम भी शामिल है। इधर नाम की घोषणा के बाद संजय शुक्ला के समर्थक उनके घर पहुंचे और शुक्ला को उम्मीदवार बनाए जाने पर शुभकामनाएं दी। दूसरी तरफ मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस के इंदौर विधानसभा क्रमांक एक के प्रत्याशी संजय शुक्ला ने कैलाश विजयवर्गीय पर गंभीर आरोप लगाया। संजय शुक्ला ने कहा कि उनके प्रतिद्वंदी गुंजो और धन बल के आधार पर इस विधानसभा से मतदाताओं को खरीदना चाहते हैं। संजय शुक्ला ने कहा कि विधानसभा में पूरे इंदौर के गुंडे आकर कैलाश विजयवर्गीय के लिए वोट खरीदने का काम कर रहे हैं। संजय शुक्ला यहां नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि विजयवर्गीय आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मोबाइल फोन देकर उन्हें लालच दे रहे हैं और पितृ पक्ष पर महिलाओं को इकट्ठा करके भोजन भंडारे करवाए जा रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने संजय शुक्ला पर भी साधा निशाना। उन्होंने कहा कि विजयवर्गीय ने इसके लिए सैकड़ों बसें लोगों को लाने और ले जाने के लिए रखी हैं। उन्होंने कैलाश विजयवर्गीय से पूछा कि मजदूर का बेटा होने के बाद भी अरबों रुपए विजयवर्गीय के पास कहां से आए, इस बात का जवाब कैलाश विजयवर्गीय को देना होगा। दरअसल कैलाश विजयवर्गीय ने संजय शुक्ला को लेकर कहा था कि वो अपने पिता की कमाई हुई संपत्ति को लोगों में बांट रहे हैं और उनका अपना कमाया हुआ पैसा कुछ भी नहीं है। वीआईपी सीट होने की वजह से सुर्खियों में है इंदौर एक। नवरात्रि के पहले दिन कांग्रेस ने अपनी पहली सूची जारी कर दी। विधानसभा चुनावों के लिए जारी किए गए प्रत्याशियों के नाम में एक नाम कांग्रेस के मौजूदा विधायक संजय शुक्ला का भी है। संजय शुक्ला कैलाश विजयवर्गीय के सामने चुनाव लड़ेंगे। वीआईपी सीट होने की वजह से यह विधानसभा अब सुर्खियों में है। इधर टिकट मिलने के बाद संजय शुक्ला मीडिया से रूबरू हुए। संजय शुक्ला ने कैलाश विजयवर्गीय पर आरोप लगाते हुए कहा कि कैलाश विजयवर्गीय धन और बल के आधार पर यह चुनाव जीतना चाहते हैं। उन्होंने कहा था कि मैं घर पर जाकर वोट नहीं मांगूंगा, अब घर घर जाकर भीख मांग रहे हैं। संजय शुक्ला ने कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को लालच दिया जा रहा है, उन्हें मोबाइल दिया जा रहा है और वोट खरीदे जा रहे हैं। इस मामले में हम चुनाव आयुक्त से शिकायत करेंगे। उन्होंने कहा कि कैलाश विजयवर्गीय ने पूरे इंदौर के गुंडे एक नंबर क्षेत्र में लाकर भर दिए हैं और वे गुंडों के जरिए चुनाव जीतना चाहते हैं। संजय शुक्ला ने कहा कि वे अपनी विधानसभा में बेटा बनकर काम करते हैं और इस बार भारी बहुमतों से कांग्रेस फिर से सरकार बनाने जा रही है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।